हेलो इन्वेस्टर, 1 नवंबर को डेट याद रखना, क्योंकि चार चार आईपीओ आ रहे हैं। तो इसमें से वन ऑफ द आईपी है सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। सिगाची लिमिटेड ये एक माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज बनाने वाली कंपनी है, जो मोस्टली फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है। एंड अगर हम कंपनी के वेरियस ग्रेड्स की बात करेंगे तो 1500 से 250 माइक्रोन्स के एमसीसी ये बनाती है। एंड इनको कंपनी मार्केट हाई सेल एंड एज सेल कंपनी से मार्केट करती है, मतलब मार्केट में ये नाम से बेचती है। अगर इनके R&D डिवीजन की बात करेंगे तो R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों भी गुजरात और हैदराबाद में अवेलेबल है। कंपनी ने अराउंड 3 सर्टिफिकेशन मतलब है उनके पास। एंड अराउंड कंपनी का मार्च 31, 2021 को कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग का मतलब एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 13,128 MTPA 3 लोकेशन से, इतना एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने किया है। तो कंपिटेटिव स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे तो कंपनी एमसीसी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी लीडर है। मार्केट प्रेजेंस इनका काफ़ी है, ग्लोबली ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है इनका। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। एंड इनका जो वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अवेलेबिलिटी है हर जगह पे, एंड यूज एप्लीकेशन यूज में आती है कंपनी के जो एमसीसी प्रोडक्ट है उनका। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इनके पास। एंड इनको गवर्नमेंट से इंसेंटिव भी मिलता रहता है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग R&D फैसिलिटी भी अवेलेबल है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो मिस्टर रविंद्र सिन्हा, चिदम्बरम शमुगानंदन, अमित राज सिन्हा, ये RPS प्रोजेक्ट डेवलपर्स, ये कुछ कंपनी के प्रमोटर हैं। एंड अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो कंपनी ने मार्च 19 में अराउंड 190 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 20 में अराउंड 203 मिलियन का, मार्च 21 में 302 मिलियन का, एंड अगर जून 21 में देखेंगे अराउंड 89 मिलियन का। तो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है एंड प्रॉफिट भी ग्रोइंग मैनर में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। IPO का मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द IPO है कि यहाँ पे इनको एक्सपांशन करना है गुजरात का, ये फैसिलिटी को गुजरात की जो दूसरी झगड़िया में फैसिलिटी है उनको भी एक्सपांशन करना है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए अराउंड मैन्युफैक्चरिंग CCS मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए मोस्टली IPO आ रहा है। सिगाची इंडस्ट्री IPO की डिटेल की बात करेंगे तो अराउंड 1 नवंबर को IPO ओपन हो रहा है, 3 नवंबर को IPO क्लोज हो जाएगा। काफ़ी छोटा IPO है, अराउंड 125 CR का IPO है, जिसमें से अराउंड 100% ये फ्रेश इशू है क्योंकि OFS का डिटेल्स दिया नहीं गया है। एंड अराउंड 10 रुपीज़ का ये फेस वैल्यू रहेगा, तो आगे जाके वी कैन एक्सपेक्ट स्प्लिट। प्राइस बैंड अराउंड 161 to 163 पर शेयर रहेगा, तो 163 विल बी कट ऑफ प्राइस। लिस्टिंग NSE BSE दोनों मार्केट प्लेस पर होगा। एंड कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसके लिए रिटेल 35% का कोटा है, QIB का 50% का कोटा है, NII का 15% का कोटा है। अगर IPO की और डिटेल की बात करेंगे तो एक लॉट में 90 शेयर्स रहेंगे, जिसकी वैल्यू अराउंड 14,670 रहेगी। मैक्सिमम 13 लॉट रहेगा रिटेल कैटेगरी में, जिसमें अराउंड 1,170 शेयर्स रहेंगे, जिसकी वैल्यू 1,90,710 रहेगी। अगर और डिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 तारीख को हो जाएगा, 11 तारीख को रिफंड हो जाएगा, और जिनको IPO मिला है उनको 12 तारीख को डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, एंड 15 नवंबर को लिस्टिंग है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो अराउंड 28 अक्टूबर से यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में बिडिंग चालू हुई है। तो अराउंड 28 अक्टूबर को 80 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, जो 30 अक्टूबर का अराउंड 110 रुपये का है। तो यहाँ पे ये कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, कंपनी फार्मा रिलेटेड भी है, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, एक्सपेक्टेड 50% रिटर्न एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक वैलिड पॉइंट है, एंड यहाँ पे 100% OFS भी नहीं है, एक फ्रेश इशू भी है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट है जो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही एक IPO में अप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सभी क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।